12 और 22 में कहता है, पर तुम तो सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटे की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं के पास आए हो। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे सेनाओं के यहोवा, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज एक और अवसर दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति को कर पाए। पिता पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम कोई ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आए कि जो मरा हुआ परमेश्वर है, जो सुनता नहीं है, जो देखता नहीं है, पर हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो हमें देखता है, हमें सुनता है और जो मृतकों में से जीवित हो चुका है। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा हमें कभी छोड़ता नहीं है। आए प्रियो, प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। अपने हृदयों को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वो इज़राइल की स्तुतियों के स्तोत्र पर विराजमान परमेश्वर है। आए अपने हृदयों में परमेश्वर को सम्मान दे। हालेलुया। आए अपने मुखों को खोले। उस मेमने को धन्यवाद करें जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसने मौत को हराया है, जिसने शैतान की सारी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचला है, जिसने हमारे लिए वो सब दे दिया जो वो दे सकता था और उससे भी विशेष किया है। उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें। अपने मुखों को खोले, अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाए, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का स्वागत करें। आए अपने हाथों से तालियों को बजा के यीशु मसीह को महिमा दें। अपने आवाजों को उठाए, अपने आवाजों को उठाए, अपने आवाजों को उठाए, अपने आवाजों को उठाए। तालियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम निर्बल हैं पर वो बलवान है। जब हम निर्बल होते हैं तब उसका सामर्थ्य हम पे पूरी तरह से रेस्ट करता है। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और पिता, हम हमारे सारे पापों के लिए क्षमा चाहते हैं जो आपकी उपस्थिति को इस जगह पे आने से रोकते हैं। पिता, यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पापों को धो दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और पिता, आज आपकी महिमा और आपका गौरव इस जगह पर जाहिर होने दीजिए। पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज इस जगह पे आप महिमा पाए यीशु मसीह, ये हमारी प्रार्थना है पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए परमेश्वर को महिमा देते हुए गाए, यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया। Oh,
नहीं तेरे जैसा कोई।
समय को याद करें जब हमें ऐसा लगता था कि कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी परिस्थितियां हमें ऐसे ही निकल जाएगी, कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, पर तब यीशु मसीह ने आकर हमें उस गड्ढे में से बाहर निकाला। हम में से आज कई लोग यहां पर खड़े नहीं होते अगर उस यीशु मसीह ने हमें बचाया नहीं होता। उस यीशु मसीह को क्या दे सकते हम? आकाश और पृथ्वी उसका है, हम कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपने हृदय से उसका धन्यवाद कर सकते हैं, हम उसका सम्मान कर सकते हैं। उसके अलावा वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो हमसे हमारा प्यार चाहता है, वो हमसे हमारा प्यार चाहता है। जीवन की रोटी तू ही है यीशु, जीवन की रोटी तू ही है प्रभु यीशुआ, यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ के जैसा परमेश्वर मिला है, जो मूरत नहीं है, जिसके आंख है और वो देख सकता है, जिसके कान है और वो सुन सकता है, जिसका मुंह है और वो हमसे बात करता है, जिसके पैर है और वो हमारे पास दौड़ के आता है, और जिसके हाथ है और वो हमें बाहों में भर लेता है। यीशु मसीह हमारा हृदय शुक्रगुजार है कि आपके जैसा परमेश्वर हमें मिला। हमारा जीवन ये बातों की गवाही है कि अगर आप पिता हमारे 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 साथ खड़े नहीं रहे होते तो आज हमारे में से यहाँ पे कई लोग नहीं खड़े होते, पर क्योंकि आप जिंदा हो यीशु मसीह, हम जिंदा है।
क्योंकि आप जिंदा हो यीशु मसीह, हम जिंदा है। क्योंकि आप जिंदा हो यीशु मसीह, इसलिए हम जिंदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आए परमेश्वर को महिमा देते हुए एक नया गाना हम सीखना चाहते हैं। यीशु जी का नाम जब बंद है, फतेह जिसने मौत पे पाई है, राह सच्ची जिंदगी है यीशु जी, दे दी हमको पापों से रिहाई है। प्रियो, जो मरा हुआ होता है वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जिंदा परमेश्वर का नाम ही हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है। एक बार एक लड़का था, उसके घर पे किसी ने जादू टोना किया हुआ था। वो परमेश्वर को नहीं जानता था ज़्यादा, वो पाप में जीवन जीता था, खाली यीशु का नाम जानता था। थोड़ा बहुत ऊपर से कुछ उसे सुना था उसने। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर में दुष्ट आत्मा ने उसके घर के एक परिवार का सदस्य का कब्जा ले लिया, और वो इतना डर गया और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अंदर के जो रूम में जाके वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। और दुष्ट आत्मा उसके परिवार के सदस्य का ऐसे कब्जा लेती थी कि वो अपने हाथों से उठा के सबको सब मारते थे। और उस लड़के को इतना दुख हुआ कि ये परिस्थिति क्यों आई है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। उसको एक चीज पता थी कि एक नाम है और वो नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो पाप में जीवन जीता था, और उसने उसे गुस्सा आया शैतान पे, और उसने शैतान को ऐसे हवा में पंच मार के बोला, यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूँ, चला जा। और अचानक ही सब शांत हो गया। ऐसी परिस्थिति थी कि तूफान खड़ा हो चुका था और अचानक से सब शांत हो गया, और उसे लगा ये क्या हुआ अचानक। और उसने बाहर जाके देखा तो जिस व्यक्ति का दुष्ट आत्मा ने कब्जा लिया हुआ था वो लेट चुकी थी जमीन पर, और दुष्ट आत्मा उसे, वो परमेश्वर है जिसका नाम सामर्थ्य है। जिंदा परमेश्वर का नाम ही ये कर सकता है, कोई मरे हुए परमेश्वर का नाम ये नहीं कर सकता है। इसीलिए हम गाते हैं, यीशु जी का नाम जब बंदे आ, फतेह जिसने मौत पे पाई है, राह सच्ची जिंदगी है यीशु जी, दे दी हमको पापों से रिहाई। आगे का स्टंजा कहता है, प्यार दिखाया उसने सबको सलीब पर बाहों को खोल के, पाप मिटाया उसने सबका शरीर के लहू को निचोड़ के, फंस गए थे हम शैतान के बंधनों में, उसने हाके हमको मुक्ति दिलाई है। हालेलुया। मैं अमित भाई से विनती करूंगा, कुछ कहना चाहते हैं। ओके। आगे का स्टंजा कहता है, उनको भी यीशु ने दुआएं दी सलीब पर जिन्होंने उसे चढ़ाया था, माफी दे पिता ये नहीं जानते जो पसली पे भला मुझे मारा था, उसके कोड़े खाने से ही तो बंदे आ हर कोई पाता चंगाई है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। ऐसा यशाया कहता है, यशाया 53:4-5 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके आगे कहता है, ना कब्र का जोर चल सका, ना जकड़ सकी रोमी मोरे, फट गई थी कब्र, सच हो गया जो नबियों का सच्चा फरमान था। प्रयोग इतिहास को अगर दो भाग में किसी ने, दो हिस्सों में किसी बिना ने या किसी वाक्य ने बांट दिया हो तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। रोमी सरकार ऐसी थी कि वो बहुत ही चौकसाई पूर्वक, मतलब बहुत ही छनावट पूर्वक सारे कामकाज करती थी। कब्र पर जब रोम का सील लगा है तो उसको तोड़ने की किसी की ताकत नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का दूत उतर आया तो रस्सियां फट गई, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित उठा हो उठा। और आगे कहता है, जी उठने के साथ मिली जिंदगी, हर आशीष यहोवा संग पाई है। जब यीशु मसीह जी उठा उसने उसके साथ हमें भी जिला दिया। हालेलुया। आए हम साथ मिलके ये गाना गाए और साथ मिलके ये गाना सीखे। किसको बोला है कि यीशु जी का नाम जपना है भाई? किसको? मुझको बोलिए, मुझे। हालेलुया। क्यों उसका ही नाम? बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नाम है, किसी के हाथ में तलवार है ना जाने कुछ कुछ है, बट यीशु के हाथों में क्या है पता है? वो घाव है जिसमें हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए प्यारो उसका नाम हमें जपना है प्यारो, क्योंकि उसने मौत पर फतेह पाई है, विजय पाई है। हालेलुया। वही हमें सच्ची राह दिखा सकता है, हर मोड़ पर, हर मुकाम पर, जिंदगी की हर एक ऐसी चीजें, ऐसे समय कि जहां पर हमें रास्ता नहीं दिखता हो या कंफ्यूजन हो। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि राह मैं हूं, जिंदगी
मैं हूं और सच्चाई मैं हूं। और इसीलिए प्यारो हमें उसका नाम जपना है, क्योंकि वही हमें सच्चे मार्गों पर ले जा सकता है। ये दुनिया में बहुत कुछ पढ़ लोगे, बहुत सारे लोगों को गुरु बना दोगे, यीशु के जैसा गुरु कोई नहीं है जो स्वर्गीय क्षेत्र में से होकर आपके लिए मार्ग खोल सके। प्यारो सच में प्यारो भजन कुलुसियों में साफ लिखा है कि क्रूस पर उसने क्या किया पता है? क्रूस पर दुनिया देख रही थी कि इसका तो तमाशा बन गया, बट तमाशा वहां पर आत्मिक क्षेत्र में शैतान का बन रहा था प्यारो। वो रूलर्स, वो पावर्स ऑफ डार्कनेस, उनका तमाशा बन रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्थान यीशु वहां से खींच रहा था। जो आदम के पास से शैतान ने खींच लिया था, वो यीशु ने अपने क्रूसीय बलिदान के द्वारा हमारे लिए वापिस हासिल कर लिया। हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा है कि उसने उन बातों का, उन शैतानी ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। आइए प्यारो उस खुदावन परमेश्वर को जो हमें तमाशा नहीं बनने देता है, बट हमारे शत्रुओं को तमाशा बना देता है। प्यारो हमारा शत्रु इंसान नहीं है, बट हमारे शत्रु शैतानिक शक्तियां हैं। प्यारो उसका तमाशा बनाता है, वो जितना भी जुर्रत कर ले, बट उसकी एक एक प्रयास हार में तब्दील होती है, क्योंकि यीशु आखिर में विजेता है। हालेलुया। और इसीलिए फतेह हमें यीशु के नाम में मिलती है। आइए यीशु का नाम जपते हैं, सारे बंदे मिलकर कूद कर नाच कर आप जुड़ सकते हो। अगर किसी को शारीरिक कोई तकलीफ है, आप बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, पर आपको अंदर एक जुनून हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप कूद कर भी आराधना कर सकते हो। आमेन। आए आए हम साथ मिलकर ये गाना गाएं।
पे भाला मुझे मारा था, उसके कोड़े खाने से ही तो बंदे यार हर कोई पाता चंगाई। हालेलुया, आए साथ मिलकर गाए तालियां बजाते हुए। I'm
भाई प्रियो अपनी आंखों को बंद करें, उस यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर उपस्थित है। आए अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह ने कहा है, जहां एक या दो मेरे नाम से उपस्थित है उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान नहीं के झूठ बोले, वचन में लिखा गया है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा ही है। और मैं विश्वास करता हूँ और हम विश्वास करते हैं, जैसा उसने कहा है वैसा ही है। उसने अगर कहा है वो हमारे बीच में है तो हमारे बीच में है। और वचन में साफ साफ लिखा गया है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ जय है, वहाँ हर्ष है, वहाँ आनंद है। हालेलुया। शैतान और दुष्ट आत्माएं वहाँ पर रुक नहीं सकती, शैतानी कोई भी बंधन ठहर नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा सब बातों से ऊपर है, सारी शैतानी शक्तियों से ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रियो, आज यीशु मसीह के उस अभिषेक को पाले। जब एलिया को परमेश्वर अपने पास आके बंद रखना, जब एलिया को परमेश्वर अपने पास ले लेने वाले थे, तब एलिया ने एलिशा से कहा, तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उससे पहले जब एलिया गिलगाल में था, तब उसने एलिशा से कहा, यहां पर ठहर जा, परमेश्वर मुझे बैथल जाने को बोल रहा है। एलिशा ने कहा, जीवते परमेश्वर के और तेरे प्राणों की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जब एलिया गिलगाल से बैथल जा रहा था तब ऐसा बोला, और बैथल से जब यरीखो एलिया जा रहा था तब एलिशा से कहा था, तू यहां पर ठहर जा, मुझे परमेश्वर ने वहां पर जाने को बोला है। तब एलिशा ने कहा, जीवते परमेश्वर के और तेरे प्राण के सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और जब एलिया यरीखो से यरदन जा रहा था, तब उसने उससे कहा कि यहां पर ठहर जा, परमेश्वर मुझे जाने के लिए कह रहा है। तब एलिशा ने कहा, जीवते परमेश्वर और तेरे प्राण के सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या है कोई यहां पर एलिशा के समान अभिषेक का प्यासा? एलिया ने उससे कहा, अगर तू मुझे स्वर्ग में ले जाते हुए देख लेगा तो अभिषेक तू पा लेगा। प्रियो, क्या है यहां पर कोई एलिशा के समान, जो एलिशा के समान यीशु मसीह पर दृष्टि लगाए कि जब तक तुम अपने अभिषेक से मुझे नहीं भर देते, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। प्रियो, यीशु मसीह अपने अभिषेक को उंडेलने के लिए कब से तत्पर है। सिर्फ उन्हें एलिशा जैसे आदमी चाहिए जो किसी भी बात से डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ अपनी दृष्टि यीशु मसीह पर लगाए रखे। हालेलुया। आए हम मिलकर ये गाना गाए, एक बारिश के समान, एक अग्नि की तरह, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। Yeah.
की तरह एक अग्नि के समान याद जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान याद जाए मुझ पे एक चादर के समान कर दे मुझे तू प्रभु तेरी रूह से ताकि मैं आपके समान बन सकूं अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा आपके अभिषेक के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता आपके आत्मा के बिना मैं निर्जीव हूँ आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता आपके अभिषेक के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूबहू तेरे जैसा Okay.
सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी आंखों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, फिर से प्यासा अभिषेक का जो चाहता है यीशु मसीह अपना अभिषेक उस पर उंडे दे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के यीशु मसीह को दिखाए। जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा देव, हालेलुया, हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा देव, हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा देव, हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर है, हालेलुया, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर है। जल्दी जल्दी पा लीजिए, ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा, पा लीजिए, उसे जाने मत दीजिए, जहां तक वो तुम्हारे आत्मा को अभिषेक नहीं करता उसे जाने मत दीजिए। उस यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है, उस यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है।
यीशु मसीह का अभिषेक जुओं को तोड़ रहा है, यीशु मसीह का अभिषेक बंधनों को तोड़ रहा है, यीशु मसीह का अभिषेक बीमारियां चंगा कर रहा है, यीशु मसीह का अभिषेक दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है। Every demonic oppression, I command you in the name of the Lord Jesus Christ, leave my people. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आपको सारे मानसिक बंधनों से छुड़ा रहा है, डिप्रेशन में से छुड़ा रहा है, एंग्जाइटी में से छुड़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके अंदर आ रही है, यीशु मसीह की शांति आपके अंदर आ रही है। आपने कभी फील नहीं की होगी ऐसी शांति आपके अंदर एंकर हो रही है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जीसस 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 जीसस, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया। मेरा निवेदन है, प्लीज अभिषेक के प्यासे रहे, प्लीज कौन बचाएगा लोगों को? अगर हम में से एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं है तो फल कैसे देखेगा? दुनिया आपको और आपके परिवार जनों को अपने पास लेने के लिए तैयार है, पर ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो यीशु मसीह के लिए कीमत अदा करते हैं, जो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है ताकि बहुत सारे फल निकल आए। आपकी एक कुर्बानी, एक बलिदान कितने लोगों को बचा सकती है? यीशु मसीह आज ऐसे लोगों को देख रहा है, ढूंढ रहा है कि है कोई यहां पर जो अपने आप पे मरने के लिए तैयार हो, अपने आप पे मरने के लिए तैयार हो, ताकि मैं उसके अंदर से जी सकूं, मेरा अभिषेक उसके अंदर से बहा सकूं, ताकि हजारों लाखों लोग बीमारियों से छुटकारा पाए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा पाए, सारी समस्याओं से छुटकारा पाए, दुखों तकलीफ पीड़ाओं से छुटकारा पाए। Dear precious Holy Spirit, let them taste thy anointing. Let them taste thy anointing. Please, 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 dear precious Holy Spirit, we are nothing without you. Please, please, हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।